बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एसएससी एंड इंटरमीडिएट टॉस लर्नर्स। बहुत खुशी हुई है, आप लोगों ने जो है अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लाया है। और तमाम मेरे केएसएम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आपने अपनी मेहनत से लाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी मेहनत रही है इसमें। बहुत खुशी है, आपका दिन जो है आज रिजल्ट का दिन है आप लोगों का। और काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है रिजल्ट को देखने में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इश्यू हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। जब फ्री रहूँगा तो आपको लिंक भी भेज दूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। और मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, अगर आपको जो है पास मेमो या फेल मेमो की बात करेंगे तो वो आप लोगों को जो है 25 डेज के बाद मिल जाएगा। रिजल्ट के 25 डेज के बाद आप लोगों को जून 27, 2024 के बाद जो है आप लोगों का जो भी एसएससी और इंटरमीडिएट का पास या फेल रिजल्ट आया है वो आप लोगों को ऑनलाइन डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वेब मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स की कॉपी जो है आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है, 27 जून के बाद जो है आप लोगों का मिल जाएगा। अब मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स में अगर आपको कुछ भी एडिटिंग कराना है, यहाँ पे कुछ भी आपको डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ पे कुछ भी आपको गलत दिख रहा है, कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपके मेमोरेंडम में, कोई भी नेम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो 6 जुलाई 2024 से पहले आपके स्कूल को जाके आप जो है बता सकते हैं करने के लिए, या डायरेक्ट टॉस की बोर्ड ऑफिस को भी बता सकते हैं। उस मेमोरेंडम में कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी, तो आपको 6 जुलाई 2024 से पहले जो है आपको कुछ भी मेमोरेंडम में अगर आपका इश्यू दिख रहा है तो आपको जाके एडिटिंग करा लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल दिखी होगी। आरसी और आरवी को भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिकरेक्शन और रीवेरिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2-3 मार्क्स से ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है कि 2-3 मार्क्स से ज़्यादा आपको आना चाहिए तो मत करिए आरसी और आरवी को, खाली प्लीज जो है आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।